हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी, क्या फील करने वाले हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगा और मैं आशा करूंगी कि आप में से सब लोगों के साथ ये रेजोनेट हो। मैं ट्राई करूंगी, बाकी अगर फिर भी नहीं होता है कोई बात नहीं, आप कोई दूसरी रीडिंग मेरी देख सकते हो, पिक अ कार्ड भी देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, आपके लिए तो अपने आप ही कार्ड गिर रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा शफल करके लूंगी। अगर इन कार्ड्स को आना होगा, ये फिर से आ जाएंगे। प्री शफल्ड है, फिर भी एक और बार शफल कर लेते हैं। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है डिस्कवरी, रूट चक्रा, जॉय। वाव, हो सकता है कि नेक्स्ट 3 डेज में, बॉटम में क्या एनर्जी है, गिल्ट। ओके, हो सकता है कि नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन जो है थोड़ी सी गिल्ट फील कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे होता है ना कि हम कभी कभी किसी के साथ बुरा करके रियलाइज नहीं करते, बट कुछ दिनों के बाद हमें रियलाइजेशन होता है कि हाँ भाई, हमें इस तरीके से बोल कर ब्रेकअप नहीं करना था, या फिर हमें इतना रूड नहीं होना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का एक पछतावा हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रूड हो गया, मुझे समझने की ज़रूरत थी, या फिर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, और देखो ये सबके लिए है, गर्ल बॉय मेल फीमेल सबके लिए, तो कोई कमेंट मत करना, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है कुछ चीज़ को लेकर डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे कि इस रिश्ते को लेकर कुछ नई बातें उनको पता चल सकती है। ठीक है, जैसे कि जब ब्रेकअप हुआ, बहुत कुछ अनकही बातें अगर आप दोनों के बीच में रह गई थी, तो वो बात उनको पता चलने वाला है। ठीक है, कुछ न्यू न्यू फीलिंग्स जैसे होता है ना, काफ़ी टाइम से फीलिंग्स खत्म था, फिर से जैसे कुछ ना कुछ फील होगा, कुछ ना कुछ डेफिनेटली, ये चाहे पॉजिटिव फीलिंग हो नेगेटिव फीलिंग हो, लेकिन आपको लेकर उनके दिमाग में कुछ फील डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसके साथ जॉय है। सो डेफिनेटली जो भी फीलिंग्स होगी वो पॉजिटिव भी होंगी, उनको खुश करेंगी। हो सकती है कि वो जो ये सोचें आपके बारे में, जो भी सोचें उस चीज़ को लेकर वो खुश हों, लाइक आपकी जो यादें हैं, लिटरली आपकी जो यादें, वो उनको खुश कर देने वाली ऐसी यादें उनको याद आए। ठीक है, और एक कार्ड देखते हैं। उनको ऐसा फील होगा कि मैं ऐसे अचानक से क्यों खुश हो रहा हूँ, या फिर अचानक से क्यों खुश हो रही हूँ, मुझे तो इतने दिनों से कुछ फरमा नहीं था, कुछ नहीं पड़ी थी या फिर पड़ा था, अभी मुझे क्यों इतना खुश लग रहा है, मैं क्यों इनके बारे में सोचकर खुश हो रही हूँ। ठीक है, एक कंफ्यूजन वाली फीलिंग्स भी हो सकती है। सोलमेट, वाओ, बॉटम में है हमारा बिटर स्वीट। ओके, सो डेफिनेटली आप शायद सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, और रीजन भी यही है। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 डेज में आप भी बहुत खुश रहने वाले हो। ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आप बहुत खुश होने वाले हो, जैसे कि आपके अंदर वो एक ये आ जाएगा कि चलो जब आना होगा आ जाएंगे, बट मुझे तब तक खुश रहना है, मुझे तब तक इनर वर्क करना है, हीलिंग करनी है, अच्छे से वेट करनी है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में ये फीलिंग्स आएगी, और क्योंकि वो आपके सोलमेट है, तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स जो हैं उनके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। ठीक है, एक कनेक्शन फील हो सकता है उनको, शायद ये डिस्कवर कर सकते हैं कि आप दोनों जो है सोलमेट हो। शायद उनको ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सब नहीं पता है, बट डेफिनेटली सोलमेट टर्म तो उन्होंने कहीं से सुना होगा ना, तो शायद उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे कि सोलमेट जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, या फिर होता है, तो मे बी आप उनके सोलमेट हो। उनको ऐसा फील होगा कि अरे आप में तो ये क्वालिटी था, तो डेफिनेटली आप उनके सोलमेट थे। ठीक है, ये बात वो डिस्कवर कर सकते हैं। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स। खट्टी मीठी बातें, आपकी खट्टी मीठी बातें उनको बहुत याद आएगी। ठीक है, हमारे पास से प्लेफुलनेस,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, खेलने की इन द सेंस कि हो सकता है वो आपको इस तरह से देखकर शायद खुश हो रहे हैं। यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है, जैसे कि वो खुश हो रहे हैं आपको उनके लिए वेट करता हुआ देखकर, रोता हुआ तड़पता, अगर आप रो भी नहीं रहे हो तड़पता हुआ देखकर मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अलोननेस वर्गो, नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन जैसे ही रियलाइज करेंगे कि आप उनकी सोलमेट हो, उनको आप बहुत ज्यादा याद आना स्टार्ट हो जाओगे, मिस करना स्टार्ट कर देंगे आपको, ठीक है ना। वो ऐसा फील कर सकते हैं, अरे यार मैंने अपनी सोलमेट को अपने हाथ से ही खो दिया, खुद खुद के रीजन के वजह से खो दिया। और मुझे ये भी लग रहा है कि उनको ऐसा बहुत अकेला महसूस होगा, ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा सा अकेला पड़ गया हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत है, एक ज़रूरत महसूस होगी आपकी, ठीक है। देखो पहले आपकी ज़रूरत मिस नहीं होगी, पहले उनको सिर्फ एक इंसान की ज़रूरत मिस होगी जो उनकी बात सुने, और धीरे धीरे जब उन्हें रियलाइज़ होगा कि आप सोलमेट हो तब उन्हें पता चलेगा कि अरे भाई ज़रूरत आपकी है, ठीक है ना, मतलब आप उनकी ज़रूरत हो। बर्डन है यहाँ पर, जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा, आपके पार्टनर कुछ चीजों को लेकर बर्डन फील कर सकते हैं, परेशानी हो सकती है, ठीक है। मे बी ये परेशानी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये परेशानी सिर्फ आपकी याद का नहीं, उनके लाइफ में मे बी कुछ और चल रहा है तो उस चीज की भी परेशानी है, उन्हें कोई शायद परेशान कर रही है या फिर कर रहा है, लाइफ में उनको कुछ चीज चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, वो उसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, कोई इंसान उनको बहुत ज्यादा सफर करवा रहा है, कुछ काम का प्रेशर आ गया है, कुछ रीजन के वजह से ये इंसान थक चुके हैं, ये इंसान परेशान हो चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि काश कोई होता जिसके साथ मैं अपनी लाइफ की ही प्रॉब्लम शेयर करती, बट कोई है नहीं तो मैं क्या करूं, ठीक है, कुछ चीजों को लेकर परेशानी। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है आपसे बात भी करना चाहे तो उनको ऐसा लगेगा कि एक बाउंड्री सेट है आप दोनों के बीच में, वो बात नहीं कर सकते, ठीक है, जस्ट लाइक कि अब बात करने लायक आप दोनों में कुछ है नहीं, या फिर ब्रेकअप के बाद बात होता नहीं, नो कांटेक्ट एक बार होने के बाद बात होता नहीं, या फिर वो टाइम नहीं आया, कुछ ना कुछ इनको ऐसा लगेगा कि एक बाउंड्री आ गया है हम दोनों के बीच में और हम अभी बात नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि ब्रेकअप या फिर नो कॉन्टैक्ट होने के बाद बात होता नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कॉम्प्रोमाइज, फाइनली ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बार क्लैरिफाई करूंगी। बॉटम में पेशेंस है यहाँ पर, ओके हो सकता है किसी चीज का ये वेट कर रहे हैं। व्हाट इज दिस कॉम्प्रोमाइज, फ्रेंडलीनेस, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ये जो कॉम्प्रोमाइज करेंगे ये आपके साथ फ्रेंडशिप या फिर बातचीत करने के लिए अपनी फीलिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है, दिल को समझाएंगे कि कभी कभी बात कर लेना भी बहुत अच्छा होता है। उनको ऐसा फील होगा कि क्यों ना आपके साथ फिर से फ्रेंडशिप बनाया जाए, बाद में हम देखेंगे प्यार के बारे में, बट फ्रेंडशिप से बात क्यों ना स्टार्ट किया जाए, ठीक है, उनको ये लगेगा और उसके लिए वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाएंगे, जैसे कि खुद के फीलिंग्स के साथ या फिर ऐसे बोल सकते हैं खुद की रिस्पेक्ट के साथ। उनको ऐसा लग रहा है कि ना उनका जो ईगो हाई है कि मुझे बात नहीं करना है, बात नहीं कर सकते हैं, तो वो उस फीलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं खुद के लिए तो सब कुछ हम कर सकते हैं, खुद के लिए तो इतना चलता ही है, ठीक है, मतलब वो ना मुझे ऐसे थोड़े से सेल्फिश दिख रहे हैं, जैसे खुद के लिए ही वो आपसे बात करेंगे, ना कि आप उनका वेट कर रहे हो, सिर्फ खुद के लिए वो आकर बात कर सकते हैं, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, नाइट ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मुझे लग ही रहा था, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द टावर, या मुझे यही फीलिंग्स आ रही थी और कार्ड भी सेम टू सेम आया, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखो नेक्स्ट 3 डेज में चांस है कि वो आपसे आकर बात करें, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये कार्ड दिख रहा है
बट उसके साथ ये भी चांस है कि वो जिस तरह से आए थे उस तरीके से चले जाएं। जैसे मैंने अभी अभी बोला, ये सेल्फिशनेस का ही कार्ड है। कोई इंसान को जब उसकी ज़रूरत होती है तो आता है, फिर चला जाता है दिल तोड़कर, ठीक है, ये वही कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज में आपके जो पर्सन है उनका ध्यान जो है उनके काम के ऊपर ज़्यादा रहेगा, आपके ऊपर रहेगा लेकिन काम के ऊपर ज्यादा रहेगा। देखो, उनको एक जरूरत महसूस होगी कि उनको आपके साथ बात करनी है और वो अपनी फीलिंग्स को कॉम्प्रोमाइज करके आकर आपके साथ बात करेंगी, बट ये वो लॉन्ग टर्म वाला कमिटमेंट नेक्स्ट 3 डेज में आपको नहीं देंगे। हम सिर्फ 3 डेज की ही एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 3 डेज में अगर आपके साथ ये बात करते हैं तो आप इस भ्रम में मत पड़ना कि अब आ गया हमेशा के लिए आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि मुझे वो फिर से जाते हुए दिख रहे हैं। उनको आपकी ज़रूरत महसूस होने वाली है। मैं अगर एक लाइन में बोलूँ, ये रीडिंग को मैं एक बार में बोलूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत महसूस होगी और इसी के लिए वो आकर आपसे बात करेंगे। मे बी उनको जब वो आकर बात करें आपको उनकी बातों से ही पता चल जाएगा, क्योंकि पता चल जाता है, ठीक है, हम इंसानों को पता चल जाता है कि हमारे पार्टनर हमारे लिए सीरियस हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं, आपको भी पता चल जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ना अट्रैक्शन भी फील हो सकता है आपके लिए, ठीक है, बट जैसे ही फिर 4-5 दिन हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी मुझे वो मैनिफेस्टेशन की वाइब आ रहा है, तो मैनिफेस्टेशन के जरिए हो सकता है वो 3-4 दिन में आकर आपसे बात करें और फिर उसके बाद फिर से चले जाएं, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत महसूस होगी तो अपने हिसाब से आएंगे और फिर से चले जाएंगे, ठीक है। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली उनको देखकर चांस देना चाहिए, आंख बंद करके चांस मत देना, ठीक है, क्योंकि आप बाद में परेशान हो जाओगे, आपको ही रोना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का ध्यान शायद काम के ऊपर है या फिर किसी और के ऊपर। तो मुझे आपको हैंड रिटन मैसेजेस भी देना था, मैं भूल गई थी, मैं एंड करने वाली थी। ओके, सो आपके लिए मैसेजेस है स्वीट मेमोरीज। देखो, मैंने बोला ही था कुछ स्वीट स्वीट मेमोरीज इनको याद आ सकती है। लव एंड रिस्पेक्ट, ये आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड आपके लिए रिस्पेक्ट भी इनके दिल में बहुत ज़्यादा है। कभी मत सोचना कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।